11th क्लास में जो हमारे पास चैप्टर 4 है उसके न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी के हैं वो हम कर रहे थे, और इससे जो पहली वीडियो थी उसमें मैं आपको जो डिफरेंसेस से रिलेटेड कंसेप्ट है वो बता चुका था, और एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का आया हुआ था वो हम कर चुके थे। आज हम जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं चैप्टर 4 में एनसीईआरटी में उनको कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास जो फॉर्मूले थे वो आपके याद होने चाहिए। एक तो आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था, वो मैं लिख दे रहा हूँ, आपको याद कर लेना है। क्या था? टी इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। इसी टाइप से आपके पास रेंज, ठीक, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, और एक हमारे पास हाइट का फॉर्मूला होता था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन टू जी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। तो क्वेश्चन जो 29 है एनसीईआरटी का, उसमें लिखा हुआ है ए बुलेट फायर्ड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, एक बुलेट को जो हमारे पास प्रोजेक्शन एंगल गिवन है आपके पास 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से हिट्स द ग्राउंड ऑफ 3 किलोमीटर अवे, ठीक है। 3 किलोमीटर जो है ग्राउंड पे जो है प्रोजेक्टल किया गया है। बाई एडजस्टिंग इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैन वन होप टू हिट ए टारगेट 5 किलोमीटर अवे, तो आपको एडजस्ट करना है एंगल वो प्रोजेक्शन को, ठीक है नी, और 5 किलोमीटर तक का एक टारगेट है, ठीक है, वहाँ तक उसको हिट करना है। एज्यूम द मेजर स्पीड टू द फिक्स एंड नेगेटिव एयर रेजिस्टेंस, तो आपको जो है एयर रेजिस्टेंस आपको कैंसिल मान लेना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें हम क्या काम करेंगे, क्वेश्चन को देखना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है, ये आपको समझना है। तो एंगल आपको गिवन है क्वेश्चन में, क्या थीटा गिवन है आपको 30 डिग्री, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन एंगल है, हॉरिजॉन्टल से ही गिवन है आपको प्रोजेक्शन एंगल। अगर ये आपको वर्टिकल तो गिवन, तो आप इसको 60 यानी कि 90 में से आप इसको माइनस करते तो 60 आपके पास आता, ठीक है। रेंज आपको गिवन है कितनी है, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ठीक है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में है आपको ग्रेविटी का नीचे लिखा हुआ क्वेश्चन है, ग्रेविटी आप यूज़ कर सकते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप 10 भी ले सकते हैं ग्रेविटी की वैल्यू, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, आर इक्वल यू स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन टू थीटा ओवर जी, तो आर की वैल्यू आपके पास 3 किलोमीटर है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी आप यू मान सकते हैं या यू नोट मान सकते हैं, और साइन थीटा कितना आपके पास 30 डिग्री है, और अपॉन आपके पास जी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास यानी कि यू नोट स्क्वायर अपॉन जी और साइन 60, ठीक है, साइन 60 इधर 3 है, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये हो जाएगा यू नोट स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है, ये यू नोट है, और ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2, ये वैल्यू होती है हमारे पास, या आप इसको ले सकते हैं अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 बार कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 3 2 यहाँ फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर आपके पास यू नोट का स्क्वायर अपॉन जी, इसे करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो हम जानते हैं कि 45 के एंगल पर जो रेंज होती है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है, 45 के एंगल पर, तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता कितना है, आर मैक्सिमम जो आपके पास रेंज होती है वो भी यही होता है हमारे पास कि यू स्क्वायर अपॉन जी, ये होते हैं हमारे पास मैक्सिमम रेंज जो होती है, ठीक है, मैक्सिमम रेंज, तो जो हमारे पास मैक्सिमम रेंज है, तो मैक्सिमम रेंज आपने निकाली कितनी है, कि यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू आपके पास कितनी है 2√3, तो आप यहाँ रखकर देख सकते हैं, ठीक है, 2√3 का रख लो 1.372, जब आपको सोल्व करेंगे कितना रहेगा ये, 2 2 4, 2 3 6, और अगर हमारे पास 2 7 14, 3 पॉइंट इतना आ गया 1 किलोमीटर। तो जो मैक्सिमम रेंज आ रही है हमारे पास अचीव करने के लिए कितनी आ रही है, वो आ रही है 3.64, ठीक है, तो जबकि टारगेट कितने रखा था बुलेट का 5 किलोमीटर पर, तो हम देख रहे हैं कि 3.4 ही आ रही है, 5 से कम है, तो कि हमारे पास जो बुलेट है विल नॉट हिट टारगेट 5 किलोमीटर अवे, ठीक, जो बुलेट है वो हमारे पास 5 किलोमीटर का जो टारगेट है उसको नहीं करेगी अचीव, नहीं करेगी, ठीक है, टारगेट को ये ध्यान रखना। तो आंसर क्या आएगा, नो हो जाएगा, नो। अगर 5 से ज़्यादा आती रेंज निकल के मैक्सिमम
तब आपका होता ही आसान सर, ठीक है, तब आप 5 किलोमीटर तक जा सकते थे, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है, अभी हमारे पास रेंज कम आ रही है, ठीक है, 5 से, तो इसलिए नहीं होगा, ठीक है, ये आपको कर लेना क्वेश्चन। इसी टाइप से जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, वो भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो आपका 30 है, वो भी हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, ए फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1.5 किलोमीटर विद स्पीड 720 किलोमीटर पर आवर पासिस डायरेक्टली ओवरहेड एन एंटी एयरक्राफ्ट गन, एट व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल शुड द गन बी फायर्ड फॉर द सेल विद मजल स्पीड 600 मीटर पर सेकेंड टू हिट द प्लेन, एट व्हाट मिनिमम एल्टीट्यूड शुड द पायलट फ्लाई द प्लेन टू अवॉइड बींग हिट, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि कोई फाइटर प्लेन है, वो हॉरिजॉन्टली जो हमारे पास है, तो उससे उसका जो एल्टीट्यूड है 1.5 किलोमीटर है, ठीक है ना, यानी कि हाइट दे रखी है आपको और उसकी स्पीड दे रखी है आपको 720 किलोमीटर पर आवर, इसको आप मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, ठीक है। और वो जो हमारे पास डायरेक्टली जो टकरा दिया है एंटी क्राफ्ट गन से, एट वाट एंगल, तो आपको वो एंगल बताना है, द वर्टिकल शुड बी गन बी फायर्ड, ठीक है, जिससे गन को छोड़ा जाए फॉर द सेल विद मजल स्पीड इतने से, और वो प्लेन को हिट कर जाए, ठीक है, वो आपको बताना है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम डायग्राम बना के देखें, ठीक है, तो क्या है हमारे पास जो कंपोनेंट होता है वो हमारे पास वी, हम कह रहे हैं कि यू वेलोसिटी से जो है फायर किया गया है, ठीक है, यू वेलोसिटी से इस टाइप से। तो जो प्लेन है हमारे पास, प्लेन यहाँ से जा रहा है, ठीक है, और जो प्लेन है, प्लेन की आपको स्पीड दे रखी है, इसको आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, ठीक है, ये प्लेन जा रहा है आपका, प्लेन प्लेन साथ जा रहा है। और जो हमारे पास बुलेट है या गन है, ठीक है, वहाँ से गोली छोड़ी गई है, तो कंपोनेंट दो होंगे इसके आपके यू एक्स, और एक और वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई, ठीक है, ये डिस्टेंस रखी है आपको 1.5 किलोमीटर, ठीक, तो स्पीड आपको दे रखी है, यानी कि यू पहले तो इसको आपको हाइट को चेंज करो, 1.5 किलोमीटर है, इसको आपको बदलना मीटर में, तो 1.5 और इंटू रहेगा वहाँ का 1000, मीन्स रहेगा वहाँ का 15.1 हटा लेंगे, 0 बढ़ जाए, वो रहेगा कम, ठीक है, कितने मीटर, ये आ गया आपके पास मीटर हाइट आ गई आपके पास, और आप इसकी स्पीड को चेंज करो, तो स्पीड जो है आपके पास कितनी हो जाएगी हमारे पास, यानी कि प्लेन की जो स्पीड है फाइटर प्लेन की, तो वी कह रहे हैं उसको, इधर रखा आपको 720 किलोमीटर पर आवर, तो आप चेंज करेंगे इसे, तो रहेगा आपके पास 720, तो 1 किलोमीटर कितना होते हैं आपके पास 1000, और 1 घंटे में कितना रहेगा आपका 60 मिनट, और इनटू 60 ही सेकेंड हो जाएंगे, 0 से आप 0 कैंसिल कर लेंगे, तो ठीक है, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बार कर जाएगा 12, फिर अब कैंसिल कर लेंगे, कितना आपके पास 2 0 n 20, और इंटू 200 हो जाएगा आपके पास मीटर पर सेकेंड, ठीक है, आप इसको कर सकते हैं सॉल्व, ये आ गया आपके पास फाइटर प्लेन की स्पीड आ गई आपके पास मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। वर्टिकल से आपका एंगल गिवन था, थीटा आप एंगल कह सकते हैं, ठीक है, वर्टिकल से है ना, और हमें एंगल कहाँ से चाहिए होता, हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, तो ये आपको याद रखना, तो हम एंगल जो हमें चाहिए हॉरिजॉन्टल से चाहिए, वर्टिकली आपको एंगल दिया हुआ है, और जो हमने गन में स्पीड दे रखी है आपको, वो कितनी रखी है आप यू कह रहे हैं उसे, ये तो आपको मीटर पर सेकेंड में ही है, 600 मीटर पर सेकेंड में है गिवन। तो जो हमारे पास डिस्टेंस है सेल द्वारा जो कवर करी गई होगी हॉरिजॉन्टली, वो कितना हुआ होगा हमारे पास, तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है हमारे पास जाने का, और इसका जो हमारे पास डिस्टेंस कवर करने का पार्ट है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट क्या होगा, बराबर होगा इस वाले पार्ट के, यानी कि आप रेंज जो है वो डिस्टेंस के इक्वल है प्लेन के, यानी प्लेन द्वारा कवर करेगी जो डिस्टेंस आपकी, प्लेन ने जो कवर करी है डिस्टेंस, और इक्वल टू जो हमारे पास गन से बुलेट निकली है उसकी रेंज कितनी है, ठीक है, रेंज, ठीक है, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के करो, ये तो आप टकराएंगे यहाँ पर सुना जाके, ठीक है, तो ये रहेगा आपके पास रेंज, तो रेंज आपके पास कितनी होती है,
और डिस्टेंस का क्या होता है फॉर्मूला आपके पास, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और इंटू टाइम, ठीक है। कंपोनेंट जी एम है यू एक्स और इंटू टाइम, और प्लेन की डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा हमारे पास वेलोसिटी और इंटू टाइम, ठीक है। ये रहेगी वेलोसिटी इंटू टाइम, प्लेन की स्पीड हमने वी मानी है और जो हमारे पास गन के लिए वो यू एक्स हमने ले रखा है, ठीक। तो जो हमारा कंपोनेंट होगा यू एक्स का, तो आप देखेंगे यहाँ ये एंगल वर्टिकल से दिखे हुए था और हमें एंगल चाहिए होता है प्रोजेक्टल मोशन में, वो चाहिए हॉरिजॉन्टल से। तो वाला पार्ट कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। पूरा एंगल होता है 90 का, इधर रखा आपको थीटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा बचा हुआ 90 माइनस थीटा। तो यहाँ क्या होता है वैसे यू कॉस थीटा होता है जनरली, तो थीटा के लिए आप क्या रखेंगे 90 माइनस थीटा, ठीक है। एंगल ये है ना कंपोनेंट, ये हो जाएगा आपको कंपोनेंट अगर आप निकालोगे तो यू कॉस, और ये लिख सकते हैं आप यहाँ पर कि यू कॉस 90 माइनस थीटा लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने एंगल निकाला है वर्टिकल से, हॉरिजॉन्टल से निकाला है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और यहाँ आपको वी इंटू टी चल रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, टी कैंसिल हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, ये साइन थीटा हो जाएगा आपका, हो जाएगा वी अपॉन यू, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो आपको वी गिविन है, वी कितना था आपको गिविन, यानी कि 200 मीटर पर सेकेंड में, और यू कितना था आपका 600, इक्वल जाएगा आपका साइन थीटा, 0 0 आपका आंसर कर लेंगे तो रहेगा 1/3। तो ये रहेगा आपका साइन थीटा इक्वल 1/3। तो यहाँ से आप एंगल निकाल सकते हैं थीटा इक्वल साइन इनवर्स 1/3, एक तो आंसर आपका याद है, ठीक है। अच्छा एक आपको बोलते हैं एल्टीट्यूड कितना होगा यानी हाइट, तो आप हाइट निकाल सकते हैं, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कितना आपका 90 माइनस थीटा, तो आप क्योंकि हमें एंगल चाहिए हॉरिजॉन्टल से, इसलिए 90 माइनस थीटा का यूज़ कर रहे हैं। तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कोस स्क्वायर हो जाएगा थीटा और अपॉन 2g। तो आपके पास u की वैल्यू भी है, ठीक है, आप u वैल्यू रख सकते हैं, g की वैल्यू भी आपके पास है, और कोस की वैल्यू आप कहाँ से निकाल लेंगे, इस साइन से निकाल लेंगे, ठीक है। साइन थीटा आपके पास है, तो अगर आपको कोस थीटा निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो इसे भी आप निकाल लेंगे पहले बेस को, कितना रहेगा हमारे पास 3 यानी कि 9, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे आप 8 कितना रहेगा, तो कॉस थीटा अगर आप निकालेंगे तो कितना रहेगा यहाँ से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये रहेगा कॉस थीटा। तो आप यहाँ कॉस थीटा वैल्यू फाइंड रख सकते हैं, यू की वैल्यू रख सकते हैं आप, जी की वैल्यू रख सकते हैं, तो आप हाइट निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन के बाद पढ़ेंगे आप, समझेंगे उसके बाद करेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमारे पास उस टाइम से हमें गन से बुलेट फायर करनी है, उसी टाइम आपके पास प्लेन उड़ रहा है, तो प्लेन में जाके वो गोली टच हो, ठीक है नहीं, तो उसके लिए आपको एक तो एटीट्यूड हाइट निकालनी है, ठीक है, और एक आपको निकालना है कि कितने एंगल पर छोड़नी पड़ेगी वो। तो उसके लिए एंगल हमें वर्टिकल से दे रखा है क्वेश्चन में, हमने क्या काम किया है, हमने हॉरिजॉन्टल से एंगल निकाला पहले 90 माइनस थीटा करके, ठीक है, और जितनी प्लेन डिस्टेंस कवर करेगा उतनी क्या होगी इसकी जाने की रेंज होगी, ठीक है, जाने वाली रेंज, तो रेंज इक्वल टू डिस्टेंस करना रखी है, उसका सॉल्व करा क्वेश्चन। तो इसको आप देख लेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे।